ये हमारे बाईपास डोवा चौसरी डोवा लिंक रोड के पास जो हमारा बाईपास है कोसी की तरफ जुड़का फोन की तरफ, ये यहाँ तक, ये पूरे वहाँ तक, ये जग्गू के घर की तरफ तो पूरी गाड़ियों का पूरा एकदम लाइन लग गई है पूरी। इन दिनों अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर पारस क्षेत्र में खतरा बंदी की पहाड़ी से लगातार हो रही टकरा को देखते हुए काफी भारी भेड़ ऊट मोटर मार्ग हाईवे के बेहतरीन विकल्प के रूप में सामने आया है। चौसरी से करीब 12 किलोमीटर के अतिरिक्त दूरी तय कर वाहन चालक साकरी घाट हाईवे पहुंच रहे हैं, किंतु मार्ग की बदहाल दशा के चलते यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए इस बारे में क्या कहते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य गोपाल दुर्रानी। लगातार क्षेत्र पंचायत सदस्य होने के नाते हमने इसको क्षेत्र पंचायत में बैठक में भी कई बार उठाया इस सड़क के मामले को। ये है भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं फूट अगली घाट मोटर मार्ग, इसकी स्थिति इतनी खराब है। 2019 के बाद BDC के हर सदन में इस रोड को लेकर के सरकार और प्रशासन से बात की गई, लेकिन प्रशासन ने कभी सुना तक नहीं। एक तरफ स्लाइडिंग जोन है, पूरा गांव बह रहा है, दूसरी तरफ पूरा क्षेत्र परेशान है। मैंने कई बार शासन को प्रशासन को चिट्ठियाँ भेजी, लेकिन कभी भी इस रोड के बारे में सोचा नहीं गया। और इस रोड के सुधारीकरण के लिए सरकार द्वारा बजट उपलब्ध अभी तक नहीं कराया जाना, एक बहुत बड़ा किलादायक पल है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो जो नेशनल हाईवे है क्वारब, वहाँ से चौसरी से अंदर को निकलती है, तो चौसरी वाली की भी रोड पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है और प्रशासन को इसकी सुध नहीं है। पूरा स्लाइडिंग जोन बन चुका है। 2019 की आपदा में पूर्ण रूपेण बहने के बाद भी उस रोड के बारे में प्रशासन ने नहीं सोचा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कीड़ा है। प्रशासन तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चौसरी से काकरी घाट बाईपास मार्ग जो डोबा सेंट हटालगांव कुमान बलम रेंगल होते हुए काकरी घाट हाईवे पर मिलता है, यह मार्ग अति सकड़ा मार्ग है। जबकि आजकल क्वारब डेंजर जोन को देखते हुए कई बड़ी और छोटी गाड़ियां इसी रोड से जा रही हैं, यह मार्ग अत्यंत दयनीय हालत में है। इस मार्ग में कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य विपिन गोदानी, गोपाल गुरानी क्षेत्र पंचायत सदस्य जोड़ कफून, कंचन तिवारी, आनंद राम, हयास सिंह, गोपाल सिंह, नवीन तिवारी ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा व लोक निर्माण विभाग से इसमें तुरंत रोड का सुधारीकरण किए जाने की मांग की है, जो कि जनहित में अति अनिवार्य है। इधर बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने मोटर मार्ग में ध्वस्त दीवारों व अन्य सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 10 लाख रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द मोटर मार्ग के दुरुस्त होने से आवाजाही सुगम हो सकेगी। वहीं यात्रियों व वाहन चालकों को भी हाईवे बंद होने की स्थिति में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल मार्ग अत्यंत बदहाल है और यात्रियों को अभी भी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।